हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लैम 21 के प्राइमर का रिव्यू, साथ में डेमो भी करूंगी। तो कल मैंने आप लोगों के साथ स्विस ब्यूटी के फाउंडेशन का रिव्यू किया था, तो आज मैं फाउंडेशन एंड प्राइमर दोनों को यूज करने वाली हूँ, तो डेमो भी हो जाएगा। तो वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आपका स्वागत है एनवेस्टी चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है ग्लैम 21 का प्राइमर जिसे मैं अभी यूज कर रही हूँ, और ये है एचडी फेस प्राइमर। लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश लुक आप लोगों को देता है, तो काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। और इनफेक्ट अभी जो जितने भी पार्टीज मैं अटेंड कर रही हूँ, चाहे वो शादी की पार्टी हो या फिर जो भी बर्थडे यानी छोटी मोटी जो भी पार्टीज है, सब में मैं इसी प्राइमर का जो है वो यूज कर रही हूँ। एंड फाउंडेशन यूज कर रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी का, तो दोनों का आज डेमो हो जाएगा इस वीडियो में। तो अभी बात करते हैं हम लोग प्राइमर की। इसकी जो पैकेजिंग है फ्रेंड्स, इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, और ये इस तरह के पैक में आता है। ये देखिए आप लोग, इस तरह के पैक में आता है ये, और इस तरह की ट्यूब है ये, मतलब कि, और ये जो है 30 ग्राम की है ये ट्यूब जो है। तो ये जो प्राइमर है फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो प्राइमर जो होता है फ्रेंड्स, प्राइमर का काम होता है हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना, और साथ में जो भी मेकअप हम लोग करने वाले हैं, तो मेकअप का बेस अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से इजिली ब्लेंड हो जाए मेकअप, उसे बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चिकना और स्मूथ कर देता है, ताकि मेकअप अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और साथ में फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, तो जो पोर्स होते हैं हमारे स्किन में, उसे भी अच्छी तरह से वो फिल कर देता है, ताकि मेकअप अच्छी तरह से सेट हो जाए और जो पोर्स होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाए। तो इस तरह का काम करता है आपके फेस पे प्राइमर, इसलिए हर मेकअप के लिए प्राइमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही प्राइमर के यूज करने से आपकी स्किन में पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम से भी आप लोग बच सकते हैं, क्योंकि प्राइमर लगाने से आपके फेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, मेकअप है, जो भी हम लगाते हैं आगे, पर नहीं जाएगा, तो काफी सारे स्किन प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। तो प्राइमर का यूज करना आप लोगों को। मैं बात करूँ इस ग्लैम 21 के प्राइमर की, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये प्राइमर जो है, काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्राइमर का मैं आप लोगों को टेक्सचर वगैरह भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का है। तो ये जो प्राइमर है ये बिल्कुल वाटर कलर का है, ये देखिए आप लोगों को मैं पास से दिखाती हूँ, इस तरह का है। तो स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है फ्रेंड्स, बहुत ही स्मूथली आप लोगों का जो मेकअप है वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा, और स्किन को एकदम ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, और एकदम मतलब चिकना कर देता है, ताकि आपकी जो मेकअप है बहुत अच्छी तरह से आराम से हो पाए। सो फ्रेंड्स, प्राइमर का काम होता है हमारे मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करना, यानी कि 4 से 5 घंटों तक अगर आप लोगों का मेकअप अच्छी तरह से टिक गया है, आपके मेकअप बिल्कुल भी निकला नहीं है, यानी स्किन में आपके अभी भी ग्लो नज़र आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग लास्टिंग। और उसमें पूरा काम होता है प्राइमर का, यानी सही प्राइमर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपका मेकअप बहुत अच्छी तरह से लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एंड मेकअप भी काफी टाइम तक बहुत ज्यादा टिका हुआ रहेगा। साथ में मेकअप बेस जो होता है आप लोगों का, वो बहुत अच्छी तरह से इजीली ब्लेंड हो जाए, इसलिए प्राइमर का यूज किया जाता है। स्किन में सारे प्रोडक्ट अंदर स्किन के अंदर ना जाए, ताकि ब्लैक हेड, पिंपल, इस तरह की प्रॉब्लम से हम बच सके, इसलिए भी प्राइमर का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारा काम करता है प्राइमर, यानी कि प्राइमर के बिना तो आप लोगों का मेकअप पूरी तरह से अधूरा है। अगर आप लोग अभी तक से प्राइमर यूज नहीं करते हैं, तो प्राइमर का यूज करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। एंड इस जो ग्लैम 21 के प्राइमर की बात करूँ मैं, तो मैं इसे सच में काफी टाइम से यूज कर रही हूँ गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी जितने भी पार्टीज वगैरह मैं अटेंड कर रही हूँ, तो इसी प्राइमर का यूज करी और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। तो ये रहे दोनों प्रोडक्ट मेरे पास फ्रेंड्स, ये है प्राइमर एंड ये है फाउंडेशन, जिसका रिव्यू कल मैंने आप लोगों के साथ किया था। तो चलिए अब डेमो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, जैसे अभी मेरे फेस पे सिर्फ टेलकम पाउडर लगा हुआ है, तो मैं गीली हैंकी से फेस को क्लीन कर लेती हूँ, एंड आप लोगों के साथ उसके बाद में आप लोगों को, तो उसके बाद में हम लोग डेमो करते हैं। तो अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी स्किन ऑयली है, तो एक दो पिंपल्स मुझे होते रहते हैं, ये देखिए उसका निशान आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, और इसके बाद में लगाने वाली हूँ प्राइमर। तो ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है। तो इस प्राइमर को मैं बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लगता ये प्राइमर, इतने ही में जो है वो हो जाएगा आप लोग, तो फेस के लिए काफी है, बहुत ज्यादा प्राइमर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो फाउंडेशन, मैंने आप लोगों
तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्राइमर है वो बहुत अच्छी तरह से मेकअप को तो आपको लॉन्ग लास्टिंग करेगा ही, लेकिन फाउंडेशन भी सही चुनना जरूरी है। तो फाउंडेशन जो है ये मेरा सेट बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छी तरह से स्किन को जो है नेचुरल लुक देता है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे नेक एरिया में मैंने नहीं लगाया तो थोड़ा सा डार्कन दिख रहा है वो, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ सिर्फ डेमो कर रही हूँ इसलिए। बाकी जब भी आप लोग मेकअप करें तो पूरा नेक एरिया को भी अच्छी तरह से कवर करेंगे आप लोग। डेमो भी आप लोगों ने देख लिया है और वीडियो आज की कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि किस तरह की वीडियो आप लोगों को देखना पसंद है। आप लोगों को मेकअप से रिलेटेड वीडियो देखना है या कोई और प्रोडक्ट की वीडियो देखना है, तो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, और साथ में इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।